नमस्कार। आप लोगों ने जो आज रैली रखा है उसका मुद्दा को लेकर ब्रीफिंग क्या देना चाहिए? आज का हम लोग लोंगहोम ओपा संसाथम यूनाइटेड सोसाइटी और स्टूडेंट यूनियन हम लोग निकाल के आज रैली किया है। ये पीसफुल रैली है। ये मेन मुद्दा है कि जब तक APFCL मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ नहीं आएगा तब तक हम लोग ये जारी रहेगा रैली। और मेन ये है कि जो एग्रीमेंट किया है फर्स्ट पार्टी एंड सेकेंड पार्टी उसमें इसमें हम लोग ऑलरेडी रिप्रेजेंटेटिव में दे चुका है कि ये परप्लेक्स एग्रीमेंट है। तो इसका जब तक सोल्यूशन नहीं होगा हम लोग ये रैली जारी रहेगा, क्योंकि हम लोग लैंड ओनर्स और हम लोग सेकेंड पार्टी वी आर बींग सप्रेस ऑफ आवर राइट्स। सो हम लोग जस्टिस चाहते हैं और हम लोग यही देखना चाहते हैं कि दोनों आके यहाँ में आके सोल्यूशन जब तक नहीं करेगा हम लोग ये रैली जारी रहेगा। हम लोग एक सप्ताह का अल्टीमेटम देता हूँ MD सर को, तो जब तक नहीं आएगा हम लोग यही रहेगा। तो हम लोग का तरफ से एक सप्ताह का अल्टीमेटम देता हूँ। आपका अल्टीमेटम का हिसाब से अगर वो नहीं आता है तो हम लोग जब हम लोग का अल्टीमेटम का हिसाब से नहीं आएगा तो हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट होगा और हम लोग आगे स्टेप लेते रहे। आज का मीटिंग में स्टूडेंट यूनियन अफसोस यूनियन और लोंगहवा विलेज और दसातोंग मोपाखाट और पब्लिक जमा हुआ है। ये क्या बारी में जमा हुआ है? कुपोषण का यो फसला नहीं हुआ। जब से कानूबारी यो खुला है, कानूबारी खेती सब्जेक्ट के लिए खुला था, खुलने के बाद कुपोषण बनाई दिया। वो पब्लिक और गवर्नमेंट ने क्या किया? फसला हुआ था, वो फसला तो अभी तक पब्लिकों को नहीं दिखाया है। कोई किसी ने यो खाया है, उसने खाया है, इसलिए हम लोग जमा हुआ है। मेरा नाम दिंगतुन वांगजन है। इतना समाप्त। आज 25 जनवरी 2021 का तारीख में लोंगहोम मोपाखाट संसाथम और दसातोंग का पब्लिक ये मोपाटी स्टेट में निकाल के आया है। हम लोग पीस रैली करने के लिए निकाल के आया है। हम लोग का बहुत साल से बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हम लोग APFCL के साथ एग्रीमेंट किया था कि ये लैंड 92 हेक्टेयर ऑफ लैंड में चाय बागान लगा के प्रॉफिट शेयर हम लोग करेगा, उसके बाद लैंड रेवेन्यू लीज रेंट भी हम लोग को देगा। तो हम लोग लैंड ओनर है, इसलिए हम लोग को अभी तक लैंड रेवेन्यू नहीं मिला है 1977 से। तो ये हम लोग का फर्स्ट मुद्दा है। सेकेंड, हम लोग को प्रॉफिट शेयर भी अभी तक नहीं दिखाया है APFCL ने। तो ये हम लोग का इतना बड़ा लार्ज एरिया जो कि 92 हेक्टर्स जो APFCL के साथ एग्री करके हम लोग कुछ उम्मीद से एग्रीमेंट किया था, लेकिन अभी तक हम लोग का उम्मीद वो लोग फुलफिल नहीं किया। इसलिए हम लोग पीस रैली करके निकाल के आया। ये पीस रैली का ये मतलब है कि हम लोग इसको बंद करके रख देगा टिल APFCL का ऑफिसर लोग MD DM लोग आके हम लोग के साथ नेगोशिएट नहीं करेगा, तब तक हम लोग ये चाय बागान को बंद करके रखें। कोई प्लकिंग नहीं करेगा, इसमें कोई बिजनेस कार्रवाई कोई नहीं करेगा। तो अगर हम लोग का डिमांड फुलफिल नहीं करेगा तो हम लोग फिर आगे बढ़ेगा और ये जारी रहेगा जब तक हम लोग का सोल्यूशन में नहीं लाएगा, जब तक हम लोग को फुलफिलमेंट नहीं होगा तब तक ये रैली ये एजिटेशन जारी रहेगा। तो इसमें हम लोग अभी सारा 4 बस्ती से हम लोग जमा होके है। तो मैं गवर्नमेंट से फिर अपील करना चाहूँगा कि आप जल्दी आए यहाँ पे आके हम लोग का साथ रिव्यू मीटिंग बैठना है। और हम लोग का जो एग्रीमेंट है 1977 का होना था, वो 1992 को ले गया, तो उसको भी रिव्यू करना है। तो ये सब हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में अच्छी तरह से बैठ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होके पब्लिक के साथ मीटिंग करके हम लोग ये सोल्यूशन निकालना चाहता है। तो इसलिए हम लोग ये रैली किया है। तो इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि हम APFCL गवर्नमेंट भी हमारा साथ देगा और पब्लिक तो है ही है, और इसी में हमारा भलाई।